अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारे एक एप्लीकेशन के बारे में जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसका नाम दराज है। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नई वीडियो के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो आज की वीडियो है हमारी दराज एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें कहा था कि कमेंट भी किए थे कि इसके बारे में भी कोई वीडियो लाएं और इसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन दें। और दराज एप्लीकेशन दरअसल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए आप चीज़ों को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपना एक स्टोर के जो चीज़ें हैं वो भी सेल करते हैं, और के आप अपना बना लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं दराज एप्लीकेशन पे, और अपना एक स्टोर बना लेते हैं, और उसकी एक जिस जो चीज़ आपने सेल करनी होती है उसकी आप मुख्तलिफ एंगल से पिक्स लेकर उसको आप उस पर अपलोड कर देते हैं। नीचे आप उसकी प्राइस लिख सकते हैं और नीचे उसकी क्वालिटी लिख देते हैं कि इस तरह की क्वालिटी की चीज़ है, और डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं ये सब कुछ। और उसके बाद जितने ख़रीदनी होती है वो आके वहाँ से ऑर्डर करता है, अपना फ़ोन नंबर के से उसको मैसेज करता है। नीचे आपने अपना पर्सनल फ़ोन नंबर जो होता है या व्हाट्सएप का नंबर होता है वो देना पड़ता है आपको, जिसके ज़रिए कस्टमर आपको मैसेज या कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवा लेते हैं। और आप उनके ऑर्डर बुक करवाने के बाद उसको डिलीवर कर देते हैं अपना सामान। ये तो हो गया सेल करने का तरीका। अब दराज एप्लीकेशन से बहुत सी चीज़ें खरीदी भी जाती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी चीज़ें मंगवाई हैं तो मुझे भी बहुत मुनासिब रेट में वहाँ से मिली हैं, और मुनासिब रेट पे मिली हैं और मिल भी बहुत जल्दी गई हैं। मतलब आज ऑर्डर बुक किया तो कल को चीज़ आपके पास आ जाएगी, और चीज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी हो दराज एप्लीकेशन पे, तो आप दराज एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन करें, उस पर अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद, अकाउंट बनाने का तरीका बहुत आसान है, वो हर कोई आसानी से बना लेता है। नंबर लिखें, OTP आ जाती है आपके फ़ोन नंबर पे, और वो OTP उधर पुट करें तो आप अपना नाम वगैरह लिख के अपना अकाउंट बना सकते हैं। और जब आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो वो चीज़ के बारे में ऊपर सर्च कर लें। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो चीज़ का नाम लिखें, वो सर्च करें, वो चीज़ें नीचे आ जाएंगी जिस जिसने उसकी ऐड लगाई हुई, मतलब कि जो आई आई होती है, जिस जिसने अपनी सेल करने के लिए लगाई होती है, वो वहाँ से बाय करें। प्राइस लिखी होती है, जो आपको अच्छी लगे वो बाय कर लें, और बाय करने के बाद ऑर्डर करवा लें अपने होम एड्रेस पे, और वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के बारे में जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।